बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर फ्रेंड्स, नदीम इकबाल ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज एक बुक का रिव्यू करने लगे हैं, वो बुक है ब्रोनी वेयर की, 2009 में पब्लिश हुई थी। लेकिन बुक का नाम है द टॉप 5 रेग्रेट्स ऑफ डाइंग। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में होता है तो उसके दिल में 5 ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो वो पूरी नहीं कर सका होता है अपनी जिंदगी में। नहीं जी, पहली ख्वाहिश कौन सी होती है? वो होती है आई विश आई वुड हैड द कर्ज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मेरे अंदर इतनी जुरत होती कि मैं दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की बजाय अपने आप से मुखलिस होकर अपनी जिंदगी गुजारता। हम लोगों की तवक्कुआत को पूरा करते करते अपनी अहमियत को छोड़ देते हैं, अपनी अहमियत को पीछे रख देते हैं, अपनी वैल्यूज को पीछे रख देते हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे कौन सी ख्वाहिश है जो इंसान अपने आखिरी लम्हात में सोचता है? वो यह है कि आई विश आई हैड नॉट वर्क सो हार्ड, काश मैंने इतनी सख्त मेहनत ना की होती। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में हमारे जो हाथ में है वो मेहनत का वैसा समर नहीं मिल रहा होता, तो तब इंसान को ऐसी ये ख्वाहिश बहुत दिल में पैदा होती है, काश मैंने इतना काम ना किया होता। कहा जाता है कि आपके मरने के बाद जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो वाले पैसे हैं जो जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, वो वाले पैसे कमाए जिसकी आपको इस टाइम जरूरत है। नंबर 3 पे कौन सी ख्वाहिश होती है? आई विश आई वुड हैड द कर्ज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, काश मेरे पास अपने एहसासात के इजहार की जरूरत होती, हमारे पास एहसासात की जो अपनी फीलिंग्स हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए हिम्मत ही पैदा नहीं होती। अगर कोशिश करें आपके पास जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करें, ना कि बाद में आप पछताएं। नंबर 4 पे कौन सी ख्वाहिश है जो इंसान अपनी आखिरी उम्र में याद करता है? वो ये है आई विश I had stayed in touch with my friends, काश मैं अपने दोस्तों से रابطے में रहता। मैं कहता होता हूं कि जो फ्रेंड्स होते हैं ये मेडिसिन का काम करते हैं। आप अपने फ्रेंड से मिला करें, उनको टाइम दिया करें, उनके साथ लेयर टाइम स्पेंड किया करें, फिर आप देखेंगे आप कितना फ्रेश फील करेंगे। नंबर 5 पे कौन सी रेग्रेट है जो इंसान आखिरी उम्र में याद रखता है? वो आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, काश मैं अपने आप को खुश रख सकता। हम पूरी दुनिया को खुश रख देते हैं लेकिन सिर्फ एक इंसान होता है जिसको हम खुश नहीं रख सकते, वो कौन है? वो आप खुद हैं। कोशिश करें अपने आप को खुश रखें। अगर आपको खुशी मिलती है किसी से मिलकर तो उससे मिल लें, अगर आपको खुशी मिलती है किसी को देखकर उसको देख लें, अगर आपको खुशी मिलती है कोई काम करके तो वो काम कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट आप ही हैं अपने लिए, तो कोशिश करें अपने आप को खुश रखें। ले जी, ये 5 रेग्रेट्स थे जो मैंने बताए। पहला मैं रिवाइज कर देता हूं कि काश आप में हिम्मत होती कि आप लोगों की तवक्कुआत पर पूरे ना उतरते बल्कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारते। नंबर 2, काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती। नंबर 3, काश मैं अपने एहसासात का इजहार करता। नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों से रابطے में रहता। नंबर 5, काश मैं अपने आप को खुश रखता। थैंक यू वेरी मच। लें जी, अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।